हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरिफ खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स। द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, जहां पे हम एक और राजनीतिक विचारक के दर्शन से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं UGCET एग्जामिनेशन में, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। उसका हम एक व्याख्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे, उसका हम इन सभी क्वेश्चन की इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। और एक चीज़ आपको और भी इन्फॉर्म करनी थी आप सभी को कि इस स्लाइड में हमने UGCET एग्जामिनेशन के अलावा जो UPSC के जो क्वेश्चन हैं या UPPCS के क्वेश्चन हैं, इसके अलावा TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो क्वेश्चन हैं यूपी के, खास तौर पे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो क्वेश्चन हैं, उसको हमने इंक्लूड किया है। तो आप इस वीडियो में जो है बने रहें। तो पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जिसे दिसंबर 2009 में पूछा गया है, दे मॉडरेट्स लीक द डस्ट ऑफ द फीट दैट किक हु सेड, वे लोग मतलब नरमपंथी उन पाँव की धूल चाटते हैं जो ठोकर मारते हैं, किसने कहा। एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट है ये बाल गंगाधर तिलक का है। अगर आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट को, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, उसको ठीक से पढ़ा होगा तो आप देखें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को हम बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो शुरू का इरा है, जब 1885 में जब कांग्रेस को 28 दिसंबर को इस्टेब्लिश किया जाता है, और 1885 से 1920 का जो पीरियड है, इसको हम बेसिकली ये जो इरा है इसमें मॉडरेट्स जो है डोमिनेट कर रहे थे। उसमें जो है जो उदारवादी समुदाय के जो लोग थे उनका प्रभुत्व था। और उसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो पीरियड है जिसमें एक्सट्रीमिस्ट, जैसे कि लाल बाल पाल का आपने नाम सुना होगा, तो इनका जो है इस टाइम में डोमिनेशन था। और 1920 के बाद से आप देखते हैं जो गांधी निगरा स्टार्ट होता है। तो बेसिकली हम तीन चीज़ें यहाँ पे देखते हैं कि ये जो मॉडरेट का पीरियड है 1885 से लेकर के 1920 तक, और एक्सट्रीमिस्ट का जो पीरियड है 1905 से लेकर के 1920, और उसके बाद में 1920 से लेकर के हम देखते हैं 1947 तक ये जो पीरियड है, ये गांधी निगरा इसको हम कहते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। तो बाल गंगाधर तिलक बेसिकली जो है वो एक एक्सट्रीमिस्ट थिंकर हैं, और वो अंग्रेज़ों के सामने विनती करने में यकीन नहीं रखते हैं, बल्कि वो डायरेक्ट एक्शन में बिलीव रखते हैं, और उसके ज़रिए से वो अपनी मांगों को जो है पूरा करने में यकीन रखते हैं, या अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक तरह से डायरेक्ट एक्शन में बिलीव रखते हैं। वो प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेशर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसे दिसंबर 2009 में पूछा गया है। अगेन यहाँ पे देखिए, ये तो इजी क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे जो एग्ज़ाम का लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है वो बढ़ता जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये जो तीन थिंकर्स हैं इनको एक्सट्रीमिस्ट कैटेगरी में रखा जाता है। और इसके अलावा हम अरविंदो घोष को भी उसी कैटेगरी में रखते हैं, ही इज़ ऑल्सो एन एक्सट्रीमिस्ट थिंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें, हम आगे के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है, दिसंबर 2010 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। यहाँ पे लिस्ट वन में कुछ थिंकर्स के नाम दिए गए हैं, लिस्ट टू में कुछ इवेंट्स के नाम दिए गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, टोटल रिवॉल्यूशन की बात करें हम, या अलीगढ़ मूवमेंट की, या केसरी की बात करें, और यंग इंडिया, यहाँ पे चार लिस्टों में चार जो है पॉलिटिकल घटनाओं की और कुछ मैगजीन्स वीकली न्यूज़पेपर के बारे में बात की गई है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि केसरी को जो है बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया को लिखा है। कब लिखा है, 1909 से 1931 के बीच में। ये देखिए, ये हम बात करें केसरी की या यंग इंडिया की बात करें, तो यंग इंडिया और केसरी ये वीकली न्यूज़पेपर थे, साप्ताहिक समाचार पत्र थे, इसको क्रमशः तिलक ने और महात्मा गांधी ने लिखा था। तिलक ने 1881 में केसरी भी लिखा था और मराठा लिखा था, दो उन्होंने वीकली न्यूज़पेपर लॉन्च किए थे ड्यूरिंग हिज टाइम। और बात करें अलीगढ़ मूवमेंट की बात करें, अलीगढ़ आंदोलन की, तो इसको सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है स्टार्ट किया था 1875 में। आप जानते हैं कि आपने अगर सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने उनका जो स्कूल था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, उसी
की इस्टेब्लिशमेंट के टाइम से आप देखते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान जो है मुसलमानों को जो है राजनीतिक सांस्कृतिक तौर पे जागृत करने के लिए, शैक्षिक दृष्टि से उन्हें उन्नत बनाने के लिए, उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए उन्होंने ये जो अलीगढ़ मूवमेंट को लॉन्च किया। और टोटल रिवॉल्यूशन की बात करें तो इंदिरा गांधी की ने जो इमरजेंसी इम्पोज की थी उसके अगेंस्ट जो है जयप्रकाश नारायण ने जो है बिहार के अंदर जो रामलीला मैदान है वहाँ से टोटल रिवॉल्यूशन का उद्घोष किया था, उसकी शुरुआत की थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और भी इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि देखिए, लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया नाम की एक बुक भी लिखी है जो 1916 में पब्लिश हुई थी। तो यंग इंडिया एक बुक भी है जिसको लाला लाजपत राय ने लिखा है। और यंग इंडिया जो है, यंग इंडिया की आप बात करें तो ये एक वीकली न्यूज़पेपर भी है, वीकली न्यूज़पेपर जिसको महात्मा गांधी ने लिखा था। कब लिखा था? 1919 से 1921 के बीच में। तो ये आपको इस तरह के क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपको ये देखना है कि ऑप्शन में क्या चीज़ें हैं, गांधी का नाम मेंशन है या लाला लाजपत राय का नाम मेंशन है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि ये जो आप वीडियोज़ देख रहे हैं जिसमें बेसिकली हम इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और ऑलरेडी जो है जो हमारी प्लेलिस्ट है अगर आप उसको आपने देखा होगा तो उसमें हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर जितने भी थिंकर्स हैं उसको हमने कवर किया है। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे हमारी कुछ वीडियोस हैं। तो ये जो टेस्ट सीरीज है काफ़ी कंप्रिहेंसिव है, जो आपके ऑलमोस्ट सारे यूनिट्स को कवर करती है। और आप अगर उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो 499 रुपीज़ सबमिट करके जो है आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये 6 महीने तक वैलिड है। जिस डेट से आप ज्वाइन करते हैं उस डेट से लेकर के अगले 6 महीने तक ये वैलिड रहेगी। तो अगर आप इस तरह की टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसमें जो PDFs जो कंटेंट इस्तेमाल किए गए हैं उसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 9821682032 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसे दिसंबर 2011 में पूछा गया है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। निम्नांकित को कालक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पे देखिए बेसिकली 4 थिंकर्स के नाम दिए गए हैं, जिसमें आप देखें बाल गंगाधर तिलक, सर सैयद अहमद, रविंद्रनाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय के बारे में बात की गई है। तो इन्हें क्या कि इन्हें इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसी के अकॉर्डिंग जो है इसको ऑर्गेनाइज करना है। तो वैसे भी आप देखें जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर जो पुनर्जागरण आंदोलन है, जो इंडियन रेंसा की शुरुआत करें या रिवाइवल की शुरुआत कर देखें हम, तो वो राजा राम मोहन राय से शुरू होता है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो ऑप्शन है वो भी इतने डिफिकल्ट नहीं दिए गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें ऑप्शन, यहाँ देखिए ऑप्शन सी के अंदर देखें राजा राम मोहन राय को पहले रखा गया है। हालांकि देखिए हमने सबको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो आप देखें 1772 में जो है राजा राम मोहन राय की डेट मतलब ईयर ऑफ बर्थ है। और फिर अगेन हम यहाँ पे अगर देखें सर सैयद अहमद खां की, तो 1817 में, ठीक है। और फिर 1856 एंड 1861। तो सबसे पहले हम किसको रखेंगे? राजा राम मोहन राय को रखेंगे, फिर सर सैयद अहमद खां को 4 एंड 2nd, ओके 4 एंड 2nd, देन 56, देन 56 एंड लास्ट में फिर हम रखेंगे किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को, ओके तो 4, 2, 1 एंड 3 जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे कोई पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय तिलक। तिलक के द्वारा निम्नलिखित में से तिलक द्वारा लिखी पुस्तक निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? मतलब यहाँ पे तिलक के माध्यम से जो किताबें लिखी गई हैं सबके नाम मेंशन किए गए हैं, और उसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी किताब को तिलक ने नहीं लिखा है। तो ओबियसली लाइफ डिवाइन जो है इसको तिलक ने नहीं लिखा है, बल्कि इसको अरविंदो घोष ने लिखा है। और इसके अलावा एक बात और भी है, देखें तिलक
से अभी तक जो नेट के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन में या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, वो आमतौर पर उनकी किताबों के नाम्स को लेकर के पूछे गए हैं। लेकिन मैंने देखा था राजस्थान में कोई एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो है बुक का ईयर ऑफ पब्लिकेशन पूछा गया था। फॉर एग्जाम्पल ख़ास तौर पे ये जो उनकी बुक है, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है गीता रहस्य, उसके उसके ईयर ऑफ पब्लिकेशन के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखें, मैंने जो है आपकी कन्वीनियंस के लिए ये सारी किताबें एक जहाँ एक ही PDF में इंक्लूड कर दी हैं। लाइक उन्होंने 1893 में जो है द ओरियन लिखा था, और इसके अलावा 18 सॉरी द आर्किटिक होम ऑफ वेदास को उन्होंने 1903 में लिखा था। देखिए, ओरियन की अगर बात करें तो ओरियन का मतलब क्या होता है कि नक्षत्रों का समूह, तारों का समूह। बेसिकली इस बुक के माध्यम से वो एक प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली वो जो है, जो वेदों की एंटिकिटी है, जो वेदों की प्राचीनता की, वो कितने प्राचीन हैं इसके बारे में वो जानने की कोशिश करते हैं। और ये बुक 1893 में पब्लिश हुई थी। और आर्किटिक होम ऑफ वेदास के बारे में बात करें तो इसके ज़रिए से तिलक ये बताना चाहते हैं कि जो आर्यों का जो मूल स्थान है, मतलब तो जहाँ से वो आए हैं, वो आर्किटिक है। ठीक है ना? आर्किटिक के बारे में अगर आप बात करें यहाँ पे, तो आर्किटिक की बात करें मतलब बेसिकली क्या कि जो उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव की अगर हम बात करें, वहाँ से ये जो आर्य हैं वो आए हुए हैं, जो आर्याज हैं वो वहीं से आए हुए हैं। उनका जो ओरिजिन प्लेस है, प्लेस ऑफ ओरिजिन है, वो क्या है? नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव है। और गीता रहस्य की बात करें तो आपको मैं यहाँ पे इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट कर लिया गया था और उनको 6 साल जो है जेल में रखा गया था। कहाँ पे? वर्मा में। वर्मा में एक मांडले जेल है, वहाँ पे उनको रखा गया था। और 1908 से लेकर के 1914 तक बाल गंगाधर तिलक को वर्मा की मांडले जेल में रखा गया था। और इसी जेल में रहने के दौरान उन्होंने गीता रहस्य नाम की एक बुक लिखी थी। बेसिकली क्या है कि ये जो श्रीमद् भागवत गीता है उसी की एक री इंटरप्रिटेशन है। और इस बुक का सब जो टाइटल है इसको कर्म योग के नाम से भी जानते हैं। और फिर 1925 में उन्होंने वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष नाम की बुक लिखी थी, जो 1925 में पब्लिश हुई थी। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखें, तीन दो किताबें यहाँ पे हैं, द ओरियन, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, गीता रहस्य एंड वैदिक क्रोनोलॉजी। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जिससे जून 2019 में पूछा गया, तिलक से देखिए बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, तो इसलिए जहाँ जहाँ जो जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं उसी को मैंने इंक्लूड किया है। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तिलक से, तिलक की किताबों के बारे में, उनकी मैगजीन्स जो वीकली न्यूज़पेपर उन्होंने लिखे थे, साप्ताहिक समाचार पत्र, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर आर नॉट रिलेटेड विथ तिलक, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र तिलक से संबंधित नहीं है। तो तिलक ने जो है 1881 में, 1881 में दो वीकली न्यूज़पेपर, दो साप्ताहिक समाचार पत्र निकाले थे, केसरी। केसरी को उन्होंने मराठी में लिखा था, मराठी भाषा में, और मराठा को उन्होंने जो है इंग्लिश में लिखा था। एक बात ये भी है यहाँ पे, एक चीज़ मैं आपको और भी इन्फॉर्म करना चाहूँगा केसरी के रिगार्डिंग, कि 1908 में जब तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को जब अरेस्ट किया गया था, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था कि केसरी में बाल गंगाधर तिलक ने एक आर्टिकल, एक नहीं दो आर्टिकल लिखे थे, और उन्हीं आर्टिकल्स को ग्राउंड बना करके जो है बाल गंगाधर तिलक के ऊपर में सेडिशन यानी राजद्रोह का अभियोग लगाया गया था, और उनको अरेस्ट करके वर्मा की मांडले जेल में रखा गया था। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए, 6 ईयर के लिए। वो आर्टिकल कौन कौन से थे? द कंट्रीज मिसफॉर्च्यून, इसको नोट कर लीजिएगा, जगह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से इसको पूछा जा सकता है कि उस वो कौन कौन से आर्टिकल थे जिसको बेस बना करके ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक के ऊपर राजद्रोह यानी सेडिशन के चार्जेस लगाए थे। तो
उसमें क्या है, पहला जो आर्टिकल था द कंट्रीज मिसफॉर्च्यून, और दूसरा दीज रेमिडीज आर नॉट लास्टिंग, ये दो आर्टिकल्स थे जिसमें तिलक ने ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां हैं, जो उसकी पॉलिसीज़ हैं, उसको जो है क्रिटिसाइज़ किया था, और इस वजह से फिर तिलक के ऊपर में मुकदमा चलाया गया और उनको 6 साल का कठोर कारावास मिला और उनको वर्मा की मांडले जेल में रखा गया। और उसी जेल में रहने के दौरान उन्होंने गीता रहस्य नाम की अपनी पुस्तक लिखी थी और जिसे 1915 में पब्लिश किया गया था। और एक बात और भी, इस ये जो लैंग्वेज मैंने मेंशन की है इसको भी आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि केसरी को किस पर्टिकुलर भाषा में लिखा गया था और मराठा को किस भाषा में लिखा गया था, और उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो 1881 में तिलक ने दो पत्रिकाएं लिख जो वीकली न्यूज़पेपर निकाले थे, केसरी को मराठी में लिखा था और मराठा को इंग्लिश में, और इसके माध्यम से जो है वो भारतीयों को, भारतीय जनमानस को, खासतौर पर जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनको धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर पे जो है वो उनको जागृत करना चाहते हैं, उनको राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं, उनके अंदर राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को जो है उत्पन्न करना चाहते हैं। ओके, तो ये तो हो गए वीकली न्यूज़पेपर जिनका संबंध तिलक से है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देखिए दो न्यूज़पेपर और भी हैं, सुधारक और हरिजन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की कौन सा संबंधित नहीं है, तो ये तो संबंधित है केसरी और मराठा, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा कि कौन सा संबंधित नहीं है, इस पे आपको हमेशा फोकस करना है एग्जाम में, नहीं तो आप क्या करेंगे कि केसरी और मराठा को टिक करके चले जाएंगे। तो सुधारक की अगर हम बात करें तो सुधारक को 1887 में गणेश गोपाल आगरकर ने लिखा था, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो गणेश गोपाल आगरकर हैं ये तिलक के एसोसिएट हैं, उनके सहायक हैं। गणेश गोपाल आगरकर जो हैं वो तिलक के सहायक हैं और वो केसरी के एडिटर भी रह चुके थे, और 1887 में उन्होंने क्या किया कि केसरी के एडिटर के पोस्ट से, बेसिकली ये क्या था, ये कि एडिटर थे ये केसरी के कुछ समय तक, और इन्होंने क्या किया कि उस एडिटर के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने खुद का अपना एक सुधारक नाम से वीकली न्यूज़पेपर निकाला, और इसको उन्होंने मराठी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पब्लिश किया था। और हरिजन की अगर हम बात करें तो हरिजन को महात्मा गांधी ने 1933 में स्टार्ट किया था, और ये भी वीकली न्यूज़पेपर था, और बेसिकली इसको इंग्लिश लैंग्वेज में जो है महात्मा गांधी ने लिखा था। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि किस पर्टिकुलर लैंग्वेज में किसी वीकली न्यूज़पेपर को लिखा जा रहा है, किस भाषा में लिखा जा रहा है, किस ईयर में लिखा जा रहा है, इसका ख्याल रखिएगा। मतलब ईयर ऑफ पब्लिकेशन आपको याद रखना है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन प्लस लैंग्वेज कि किस भाषा में जो है उस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को जो है लिखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जिसे जून 2020 में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में अगर आप देख सकते हैं कि चार स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट जो है रिगार्डिंग वुमेंस मूवमेंट इन इंडिया, यहाँ पे चार आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं ए बी सी डी, और उस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से भारत के अंदर जो महिलाओं से संबंधित जो आंदोलन हुए हैं उससे उसका संबंध है। देखिए आइए चार स्टेटमेंट है, इसको चेक करते हैं एक एक करके। पहला जो स्टेटमेंट है, आर्य समाज वॉज नॉट कंसर्न्ड अबाउट वुमेन्स इश्यूज एट ऑल, आर्य समाज महिला मुद्दों के बारे में पूर्णतः निरपेक्ष था, मतलब उसका महिलाओं से कोई संबंध नहीं था। दूसरा जो स्टेटमेंट है, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस वॉज सेटअप इन 1924। तीसरा जो स्टेटमेंट है, सरोजनी नायडू एंड एनी बेसेंट रेज द इशू ऑफ राइट टू वोमेन फॉर राइट टू वोट फॉर वोमेन। सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट ने महिलाओं के वोट के अधिकार का मुद्दा उठाया। और यहाँ पे देखिए चौथा जो स्टेटमेंट है, तिलक्स गणेश उत्सव वेयर मेनली एम्ड एट ड्राइंग वोमेन इन टू नेशनल मोमेंट।
तिलक के गणेश उत्सव का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं को सम्मिलित करना था। और यहाँ पे अगर आप ऑप्शन की अगर आप बात करें, यहाँ पे देखिए आपको चार विकल्प आपको दिए गए हैं, लेकिन इसमें क्या कि देखिए यहाँ पे क्या कि आपको एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। देखिए यहाँ पे ए बी बी सी सी डी और ए डी इंक्लूड किया गया है। अच्छा यहाँ पे आपको और भी मैं बताना चाहूँगा, इन डिटेल हर एक को हम इवेल्युएट करेंगे। जैसे कि अगर बात करें आर्य समाज की, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, आपको मालूम होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और कब की थी? 1875 में की थी। और अभी आपको मैंने शुरू में बताया क्लास इस वीडियो के शुरू में कि 1857 में सॉरी 1875 में 1875 में आप देखते हैं कि जो अलीगढ़ मूवमेंट जो है स्टार्ट होता है। तो बेसिकली ये जो पीरियड है इसमें एक तरह से देखते हैं कि भारत के अंदर क्या कि धार्मिक और सांस्कृतिक रिवाइवल हो रहा है, एक तरह से पुनर्जागरण हो रहा है लोगों को सांस्कृतिक तौर पे शैक्षिक दृष्टि से जो है जागृत करने के लिए। जितने भी समाज सुधारक हैं, चाहे वो सर सैयद अहमद हों या स्वामी दयानंद सरस्वती हों, ये जो है अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर हम बात करें तो उनका जो आर्य समाज वाला नाम का जो मूवमेंट था, जो आंदोलन था, वो बेसिकली एक तो उसका जो संबंध है वो हिंदुओं को अपने धर्म में वापस लाने के लिए और हिंदू धर्म के अंदर जो कुछ कुरीतियां हैं, जो सुपरस्टिशन है, जो अंधविश्वास है, उसको समाप्त करने से था। और इस मूवमेंट के अंदर, इस आंदोलन के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, विशेष रूप से वो वोमेन एजुकेशन के औरतों की शिक्षा के बारे में बात करते हैं, और साथ ही साथ जो विधवा जो महिलाएं हैं उनके पुनर्विवाह के बारे में। आप देखें इंडिया के अंदर सती प्रथा ऐसी परंपराएं थीं, उसको समाप्त किया गया। और बहुत से जो धर्म सुधारक हैं, जो समाज सुधारक हैं, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को प्रमोट किया, जैसे कि आपने ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम सुना होगा। तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है कि आर्य समाज वाज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द वोमेंस इश्यूज एट ऑल, आर्य समाज महिलाओं के मुद्दों के बारे में पूर्णतः निरपेक्ष था, मतलब उसका कोई संबंध नहीं था महिलाओं के मुद्दे से, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती बात करते हैं किसके बारे में? महिलाओं के अधिकारों के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, खासतौर पर जो विधवा महिलाएं हैं उनके पुनर्विवाह के बारे में, वीडो रीमैरिज के बारे में बात करते हैं, महिलाओं की शिक्षा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस वॉज सेटअप इन 1924, जो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन है, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1924 में हुई थी। तो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना है वो 1924 में नहीं बल्कि 1927 में हुई थी। कब हुई थी? 1927 में हुई थी। और इसको इस्टेब्लिश किसने किया था? मार्गरेट क्यूजिन नाम की एक लेडी थी, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। और कब किया था? 1927 में पुणे में किया था। और एक चीज़ ये भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो महिला सम्मेलन था ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, ये पुणे में हुआ था। और पुणे में कहाँ हुआ था? उसी फर्ग्यूसन कॉलेज में जिसको बाल गंगाधर तिलक ने इस्टेब्लिश किया था। तो ये जो स्टेटमेंट है वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो है क्या कि इनडायरेक्टली जो स्टेटमेंट है वो तिलक से रिलेटेड है। और यहाँ पे आप देखें सरोजिनी नायडू के बारे में बात हो रही है, ऑप्शन सी में आप देखें सरोजिनी नायडू की बात करें या एनी बेसेंट की अगर हम बात करें, तो देखिए कांग्रेस का 1917 में जो अधिवेशन हुआ था और 1925 में कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था, तो इस अधिवेशन में महिलाओं सॉरी इस अधिवेशन में आप देखें कि दोनों अधिवेशनों में दो अलग अलग महिलाएं अध्यक्ष बनती हैं। 1917 में जो है एनी बेसेंट जो है कलकत्ता में एक अधिवेशन होता है, उसकी वो चेयरमैन बनती हैं कलकत्ता में, जो कांग्रेस का 33वां अधिवेशन होता है उसकी वो अध्यक्ष बनती हैं 1917 में। और 1925 में जो कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता कौन करती हैं? सरोजिनी नायडू। तो ये जो दो महिलाएं हैं जिनको इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, उन्होंने अलग अलग समय पर कांग्रेस के मंच से जो है महिलाओं के अधिकारों की बात की, उन्होंने महिलाओं को वोट का अधिकार, राइट टू वोट फॉर वुमेन की वकालत की,
उन्होंने इस बात के लिए अपील की, अपनी तरफ से मांग रखी कि महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और तिलक ने जो है गणेश उत्सव की शुरुआत की। और बेसिकली आप देखते हैं कि गणेश उत्सव की बात करें और या शिवाजी उत्सव की बात करें, तो तिलक ने जो है ये जो दोनों मूवमेंट लॉन्च किए थे, बेसिकली गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव की हम बात करें, तो 1883 में, 1883 में, आई थिंक मैंने मेंशन किया होगा, हाँ 1893 में उन्होंने गणपति उत्सव को स्टार्ट किया, और 1895 में, 1893 में गणपति उत्सव को और 1895 में शिवाजी उत्सव को जो है तिलक ने स्टार्ट किया था। और बेसिकली इसका मकसद ये था कि इसके ज़रिए से महाराष्ट्र के लोगों को, देशवासियों को जो है सांस्कृतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर जो है उनको एकत्रित किया जाए, उनको कंसोलिडेट किया जाए और उनके अंदर देशभक्ति की जो भावना है उसको उत्पन्न किया जाए। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है कि इस आंदोलन में महिलाओं को सम्मिलित करना, तो ये आपको क्या करना है कि इस केस में क्या है कि आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। कैसे होगा कि देखिए ये जो दो स्टेटमेंट है आपके, आप इसमें थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करिए कि ये जो आपके दो स्टेटमेंट हो गए वो इनकरेक्ट हो गए, ठीक है। तो बचा क्या, सी एंड डी, तो सी एंड डी जहाँ पे होगा वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए एग्ज़ाम की अगर बात करें, जुडिशियल नेट एग्जामिनेशन की, तो कभी कभी हमें अपने कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना होता है। जो दिए गया ऑप्शंस हैं उसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको हमें सेलेक्ट करना होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसे हम यहाँ पे देख, इसे जून 2020 में पूछा गया है और यहाँ पे बात की जा रही है तिलक के बारे में, और यहाँ दो स्टेटमेंट दिए गए हैं एक्सेप्शन के तौर पे कहा जा रहा है, स्वदेशी बायकॉट, नेशनल एजुकेशन एंड पैसिव रेजिस्टेंस वर द मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट यूज्ड बाय बाल गंगाधर तिलक। स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध के तरीके जिनका बाल गंगाधर तिलक ने प्रयोग किया, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी को, बहिष्कार को, राष्ट्रीय शिक्षा को और निष्क्रिय प्रतिरोध को, ठीक है, प्रोटेस्ट करने के तरीके के तौर पर, विरोध के तरीके के तौर पर जो है उन्होंने इस्तेमाल किया उसको। और फिर क्या करें, तिलक बहिष्कार को एक प्रभावी हथियार के रूप में स्वीकार करते थे। तो देखिए ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं बिल्कुल सही हैं। पहले देखिए, पहले स्टेटमेंट है, देखो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए दो चीज़ें यहाँ पे कॉमन हैं, बाइकॉट यहाँ भी है, बाइकॉट यहाँ भी है। इसे तो इस स्टेटमेंट में चार साधनों के बारे में बात हो रही है, फोर मीन्स के बारे में बात हो रही है, फोर मीन्स चार साधनों के बारे में, कि इन्हीं साधनों का प्रयोग करके बाल गंगाधर तिलक ने ब्रिटिश साम्राज्य के सामने अपनी मांगों को रखा। और कौन कौन से तरीके थे, स्वदेशी, बाइकॉट, नेशनल एजुकेशन और पैसिव रेजिस्टेंस। तो फिर रीजन में क्या कहे कि बाइकॉट वाज एक्सेप्टेड टू बी एन इफेक्टिव वीपन बाय तिलक। आप देखें कि 1905 में, 1905 में बंगाल का विभाजन किया हो जाता है, लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल का विभाजन कर देते हैं, और उसी दौरान जो है इंडिया के अंदर, आप देखें अगर आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट को ठीक से पढ़ा होगा, तो उसी के समय से जो है स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत होती है। और इस मूवमेंट के अंदर जो है बायकॉट को एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो टूल था अपने आप में बिल्कुल अलग था। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो कांग्रेस के जो लीडर थे वो क्या करते थे, वो कभी पिटीशन लिखते थे, कभी प्रेयर करते थे, कभी नॉर्मली ऐसे जो है माइक वगैरह लगा करके या चार लोगों को इकट्ठा करके नॉर्मली प्रोटेस्ट करते थे, अपनी मांगों को रखते थे। तो वो जो तरीके थे तिलक के हिसाब से उतने इफेक्टिव नहीं थे। और बायकॉट एक ऐसा तरीका था कि जिससे क्या है कि जो ब्रिटेन को प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक दृष्टि से जो है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो उसको नुकसान पहुंचता था। क्यों? क्योंकि लोगों ने जब विदेशी कपड़ों का या विदेश से जो जो वस्तुएं हैं उसका बहिष्कार करना शुरू किया, तो इससे क्या कि ब्रिटिश साम्राज्य के सामने एक आर्थिक संकट खड़ा हो गया। तो तिलक जो है इसको एक इफेक्टिव वीपन मानते हैं, इफेक्टिव वीपन मानते हैं, एक प्रमुख हथियार मानते हैं विरोध का। अच्छा देखिए एक बात और भी है कि यूपी
पीजीटी के एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें इन्हीं चार एलिमेंट के बारे में बात की गई थी, स्वदेशी, बायकॉट, नेशनल एजुकेशन और पैसिव रेजिस्टेंस। वैसे तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट है। तो उसमें पूछा गया था कि तिलक का जो राष्ट्रवाद है, तिलक का जो नेशनलिज्म है, तिलक के राष्ट्रवाद के चार एलिमेंट बताइए, मतलब फोर एलिमेंट्स। ऑफ तिलक्स नेशनलिज्म, जो तिलक का जो राष्ट्रवाद है उसके चार तत्व या चार एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो यही है स्वदेशी, बायकॉट, नेशनल एजुकेशन और पैसिव रेजिस्टेंस। और आप देखें, अगर आपने तिलक के बारे में पढ़ा होगा तो तिलक ने अपनी कैरियर की जो शुरुआत है वो एक एजुकेशनिस्ट के तौर पर, एक शिक्षाविद के तौर पर काम की थी, और उन्होंने जो है मैथमेटिक्स को में उन्होंने बीए कर रखा था, और उन्होंने शुरुआती दौर में मैथमेटिक्स पढ़ाया था पुणे के अंदर, और हम बाद में देखते हैं कि वो एलएलबी करते हैं और उसके मास्टर की डिग्री अपनी बीच में ही छोड़ देते हैं और फिर वो एलएलबी करते हैं, और उसके बाद एक कुछ समय के बाद वो टीचिंग का काम, जो प्रोफेशन है उसको छोड़ देते हैं और वो एज ए जर्नलिस्ट जो है अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, केसरी और मराठा जैसे वीकली न्यूज़पेपर को लिखते हैं, और उसी टाइम में जो है वो कांग्रेस को भी ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे कि आप देखें शुरुआत में जो बाल गंगाधर तिलक का जो रोल था वो कैसा था, एक एजुकेशनिस्ट के तौर पे, एक शिक्षाविद के तौर पे था। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया था, जैसे कि अगर आप देखें 1880 में उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी। आप देखें अगर आपने इंटरनेशनल मूवमेंट को पढ़ा होगा तो देखिए जो मैकाले की जो शिक्षा पद्धति इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया के अंदर, तो बेसिकली उसमें क्या कि जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है वो इंग्लिश है, और यहाँ पर क्या कि लोगों को इस तरह से एजुकेट किया जा रहा है कि वो शिक्षित तो हो लेकिन उनके अंदर राजनीतिक चेतना ना हो, उनके अंदर राजनीतिक चेतना ना हो, एक मतलब उनकी जो मानसिकता है एक गुलाम के जैसी हो, मतलब जो एजुकेट करके वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर कोई जॉब को ढूंढ रहा हो। तिलक ने कभी भी अंग्रेजी का विरोध नहीं किया, बल्कि तिलक ने अंग्रेजी को एक टूल के तौर पर, एज अ टूल ऑफ अवेकनिंग, एज अ टूल ऑफ मोबिलाइजेशन इस्तेमाल किया। तिलक का ये कहना था कि अंग्रेजी के माध्यम से लोगों के अंदर जो है राजनीतिक भावना का जो प्रसार है वो आसानी से किया जा सकता है, और इससे इसके माध्यम से लोगों को मोबिलाइज किया जा सकता है। और तिलक ने 1880 में जो न्यू इंग्लिश स्कूल इस्टेब्लिश किया था उसमें उनके जो साथी थे जैसे कि गोपाल गणेश आगरकर, जिसके बारे में अभी क्या मैंने आपको बताया, जो है उन्होंने सुधारक नाम का वीकली न्यूज़पेपर निकाला था, और महादेव बल्लाल राम जोशी और विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, इन तीनों लोगों ने मिलकर, इन चारों लोगों ने मिलकर के जो है न्यू इंग्लिश स्कूल को इस्टेब्लिश किया था। और इस स्कूल को इस्टेब्लिश करने का जो मेन पर्पस था क्या था कि टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर द यूथ ऑफ इंडिया, जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको और बेहतर बनाया जा सके, और शिक्षा को जो है इस तरीके से बनाया जा सके जिससे कि लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति की जो भावना है, जो देशभक्ति की जो भावना है वो उत्पन्न हो सके। और 1884 में जो है उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया था, और फिर 1885 में आप देखें ये जो 1885 का जो पीरियड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी टाइम में उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज को इस्टेब्लिश किया था, और हमने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया था कि इसी फर्ग्यूसन कॉलेज में जो है पढ़े थे कौन, वीर सावरकर। तो आप देखें तिलक के जो कैरियर है शुरुआती दौर में वो अपने आप को एक शिक्षक के तौर पर इस्टेब्लिश करते हैं, अपने करियर की शुरुआत वो एक एजुकेशनिस्ट के तौर पे, एक टीचर के तौर पे, एक शिक्षक के तौर पे करते हैं, एज अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसे जून 2021 में पूछा गया है, यहाँ पे क्या लिखा गया रहा है, वी विल गेट नथिंग बाई अपीलिंग टू और शाउटिंग हॉर्स इन द ईयर्स ऑफ ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानून में अपील करने से या गला फाड़ने से हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, ये इसका स्टेटमेंट है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, लाला लाजपत राय, बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहब अम्बेडकर, इसमें ऑप्शन फोर करेक्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि तिलक जो है उन्होंने जो वीकली न्यूज़पेपर निकला था मराठी में केसरी, उसमें वो कहते हैं कि भारत के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड हैं वो इनइफेक्टिव है, वो प्रभावशाली नहीं है, और वो कहते हैं कि अगर भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानून में हम अपील करते हैं या गला हम फाड़ते हैं तो उससे हमें क्यों कुछ हासिल नहीं होगा, उसके पीछे रीज़न क्या है।
उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर भारत के लोग अगर ब्रिटिश सरकार के सामने कोई मांग रखते हैं तो उसको क्यों नहीं माना जाता है। उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज ये सोचते हैं कि ये जो लोग हैं जो सभाएं आयोजित कर रहे हैं, विरोध का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सिर्फ भौंक ही सकते हैं, काट नहीं सकते हैं। इसलिए आप देखें, ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज अनरिस्पॉन्सिव, मतलब जो ब्रिटिश सरकार है वो कभी भी हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती। क्यों? जो कांग्रेस के लीडर हैं उनकी मांगों पर ध्यान क्यों नहीं देती? क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन है कि ये जो लोग हैं, उदारवादी समुदाय के जो लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ वो भौंक सकते हैं, वो काट नहीं सकते हैं। और इसी वजह से जो है तिलक ने जो है एजिटेशन का जो तरीका है, जो विरोध करने के लिए जो आंदोलन का तरीका है, बायकॉट का जो तरीका है, उसको तिलक ने अपनाया। ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली इसको कहाँ से कोट किया गया है, केसरी से कोट किया गया है। केसरी जो क्या है, एक वीकली न्यूज़पेपर है जिसको तिलक ने 1881 में प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसे जून 2021 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बाल गंगाधर तिलक आर ट्रू, बाल गंगाधर तिलक के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं, आर ट्रू मतलब। और देखिए यहाँ पे आपको चार स्टेटमेंट देंगे, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है कि ही इन्विजन द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, उन्होंने भाषाई आधार पर राज्य के निर्माण की कल्पना की। वे अस्थिर राष्ट्रवादी और यथार्थवादी दोनों थे। ही वॉज बोथ रेस्टलेस नेशनलिस्ट एंड एरियलिस्ट। और तीसरा क्या है, ही प्रीफर्ड पोलिटिकल फ्रीडम ओवर सोशल रिफॉर्म। और तीसरा क्या है, जो लास्ट ऑप्शन है फोर्थ, फॉर तिलक पोलिटिकल लिबरेशन एंड राइट्स कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू डायरेक्ट एक्शन एंड प्रेशर। यहाँ पे आपको चार स्टेटमेंट देंगे, इसको आपको आइडेंटिफाई मतलब चेक करना है। तो देखिए, अगर आप सामान्य तौर पर पढ़ेंगे तिलक के बारे में तो आपको ये कभी नहीं मालूम होगा कि तिलक ने जो है भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया। आप देखें, देश में आज़ादी के बाद में 1953 से ही, 1953 से क्या, 1948 से ही भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की बात की, मतलब उसकी डिमांड एक तरह से उठने लगी, देश के अलग अलग हिस्सों से उठने लगी। और अगर आपने अंबेडकर वाली वीडियो देखी होगी मेरी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अंबेडकर ने एक बुक लिखी थी, थॉट ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, थॉट ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट। तो ये जो बुक थी इसको अंबेडकर ने लिखा था। तो अंबेडकर भी, अंबेडकर की तरह है बाल गंगाधर तिलक भी क्या है कि वो भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन तिलक की डिमांड में और अंबेडकर की जो डिमांड है उसमें फंडामेंटल डिफरेंस है, कुछ आधारभूत अंतर है। पहला क्या, वो ये है कि बाल गंगाधर जो तिलक हैं वो शिक्षा के पर्पज़ से, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो चाहते हैं कि राज्यों का जो फॉर्मेशन हो वो भाषा के आधार पर हो, राज्यों का जो निर्माण हो भाषा के आधार पर। क्यों? क्योंकि जब एक राज्य के अंदर एक ही भाषा को बोलने वाले लोग होंगे, वन लैंग्वेज को बोलने वाले लोग होंगे, तो इससे क्या होगा कि उनको एजुकेट करना, उनकी जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसमें उनको एजुकेट करना आसान होगा। हालांकि अगर हम बात करें बी आर अम्बेडकर की, तो वो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का जो कंसर्न था, जो समस्या थी कि एक राज्य के अंदर अगर एक से अधिक भाषा को बोलने वाले लोग होंगे और उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, तो फिर उससे क्या होगा कि अल्पमत और बहुमत, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की जो प्रॉब्लम है वो इमर्ज हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि फिर जो है जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों जो है, बाल गंगाधर तिलक भी और अम्बेडकर भी, बात करते हैं राज्यों के निर्माण के बारे में, लेकिन अम्बेडकर का जो ग्राउंड है वो ये है कि वो अल्प जो लोग माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पमत में हैं, उनको भी वो रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। और बाल गंगाधर तिलक जो है वो चाहते हैं कि शैक्षिक दृष्टि से, कि मतलब राज्यों का निर्माण जो है भाषा के आधार पर हो। और ख़ास तौर पे आप देखें, जब 1914 के बाद जब वो बर्मा की मांडले जेल से छूटते हैं, और 1915 में उनकी बुक गीता रहस्य पब्लिश होती है, और 1916 में वो जो है वो होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत करते हैं पुणे के अंदर, और उसी टाइम में जो है
जब उन्होंने अपना होम रूली का आंदोलन लॉन्च किया था, उसी टाइम में जो है वो भाषा के आधार पर राज्यों की निर्माण की बात करते हैं। बेसिकली वो बात करते हैं कि मराठी, तेलुगु, कन्नड़ी भाषा को बोलने वाले जो लोग हैं उनको उनकी भाषा के अनुसार जो है प्रोविंस मतलब रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, राज्यों का निर्माण किया जाए। और इससे क्या होगा कि द प्रिंसिपल दैट एजुकेशन शुड बी गिवन थ्रू द वर्नाकुलर्स इज सेल्फ एविडेंट एंड क्लियर। बेसिकली वो ये इसलिए चाहते हैं कि ताकि जो है लोगों को उनकी जो मातृभाषा है उसमें एजुकेट किया जाए, और इस आधार पर जो है मतलब वो शैक्षिक दृष्टि से भाषा का समर्थन करते हैं। और दूसरा जो स्टेटमेंट है, ही वॉज बोथ रेस्टलेस नेशनलिस्ट एंड रियलिस्ट। वो यथार्थवादी भी थे और क्या थे, एक अस्थिर मतलब बेचैन। यहाँ पे रेस्टलेस का मतलब अस्थिर नहीं होगा, ये ट्रांसलेशन गलत है। अस्थिर का मतलब, रेस्टलेस का मतलब यहाँ पे बेचैन है, मतलब वो इस बात से बेचैन थे कि कांग्रेस जिस तरीके से वो काम कर रही है उसके तरीके इफेक्टिव नहीं है। कांग्रेस को अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाने की जरूरत है, उसको प्रेयर करने की जरूरत नहीं है, क्षमा याचना करने लिखने की जरूरत नहीं है, पिटीशन लिखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं। बल्कि क्या है कि एक यथार्थवादी होने के कारण वो कहते हैं कि कांग्रेस को अपनी रणनीति में बदलाव लाने की जरूरत है, उसको बायकॉट करने की जरूरत है, उसको नेशनल एजुकेशन को अडॉप्ट करने की जरूरत है। और यहाँ पे देखिए कि तीसरा जो स्टेटमेंट है, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया और ये भी सही हो गया, ठीक है ना। तीसरा स्टेटमेंट है, ही प्रीफर्ड पोलिटिकल एंड पोलिटिकल फ्रीडम ओवर सोशल रिफॉर्म। उन्होंने सामाजिक सुधार पर राजनीतिक स्वतंत्रता को वरीयता दी। ही प्रीफर्ड पोलिटिकल रिफॉर्म ओवर सोशल रिफॉर्म। देखिए तिलक की अगर हम बात करें तो तिलक का ये मानना है कि आज़ादी जो है, जो फ्रीडम है, वो हमारे लिए पहले है। हमें पहले किस बात की ज़रूरत है, हमें जो है सबसे पहले हमें आज़ादी की ज़रूरत है, राजनीतिक तौर पर जो है मैं आज़ाद हूँ, और उसके बाद जो है देश के अंदर जो सोशल रिफॉर्म है, जो सामाजिक सुधार है वो किए जाए। उनका ये मानना है कि ये तो हमारे आंतरिक मसले हैं, इसको तो हम कभी भी जो है एक आम सहमति बना करके इसको सुधार कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जो धार्मिक मसले हैं, जो सांस्कृतिक मसले हैं, उनको छोड़ करके सबसे पहले जो है पूरी जो एनर्जी है वो इस बात पे लगाया जाए जाए कि कैसे देश को आज़ाद किया जा सके। और उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि 1891 की बात है, ब्रिटिश सरकार एक कानून लेकर के आई जिसमें महिलाओं की जो शादी की एज थी, पहले तो आप तो जानते हैं कि इंडिया के अंदर बाल विवाह हुआ करता, चाइल्ड मैरिज हुआ करता था, तो जो विवाह की जो आयु थी, जो एज ऑफ मैरिज थी, उसको बढ़ा करके 10 से 12 साल किया कर दिया गया एज ऑफ कंसेंट के माध्यम से। तिलक ने इसका विरोध किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तिलक जो है जो बाल विवाह के फेवर में थे। तिलक ने कहा कि ये हमारी परंपराएं हैं, ये हमारी ट्रेडिशन है, ये हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस है, और इसमें ब्रिटिश सरकार को जो है हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी परंपराएं हैं, हमारे बनाए हुए तरीके हैं, इसलिए इसके अंदर जो सुधार होना चाहिए वो हमारे माध्यम से होना चाहिए, हम आपस में बैठ करके डिस्कशन करेंगे। और यदि सरकार ऐसा करती है तो एक तरह से वो क्या कर रही है कि वो हिंदू जो धार्मिक प्रैक्टिसेस हैं उसके अंदर क्या कर रही है, वो हस्तक्षेप कर रही है। तो मतलब क्या कि वो धर्म के अंदर सुधार लाना तो चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो सुधारे हिंदुओं के माध्यम से, एक जो हिंदू समाज है उसके माध्यम से आए, ना कि किसी कानून के माध्यम से, ब्रिटिश सरकार के माध्यम से। और तिलक का ये भी कहना है कि पहले हमारे लिए क्या है कि हमारे लिए पहले राजनीतिक आज़ादी, जो जो पोलिटिकल फ्रीडम है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और जो सोशल रिफॉर्म है उसको तो हम आगे पीछे कभी भी कर सकते हैं। और जो लास्ट स्टेटमेंट की बात करें हम, तो इस तरह से हम देखते हैं कि तीन स्टेटमेंट सही हो। लास्ट स्टेटमेंट की बात करें हम कि पोलिटिकल लिबरेशन एंड राइट्स कैन बी अचीव्ड थ्रू डायरेक्ट एक्शन। राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक आज़ादी और अधिकार प्रत्यक्ष कार्रवाई और दबाव से प्राप्त किया जा सकता है। तो वैसे भी आप देखें तिलक जो है वो अपील करने में यकीन नहीं रखते हैं, वो बात किस में रखते हैं, डायरेक्ट एक्शन में बिलीव करते हैं, वो पॉलिटिक्स ऑफ प्रेशर में, दबाव की राजनीति में यकीन रखते हैं, और वो दबाव बनाकर अपनी मांगों को जो है पूरा करवाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट हैं ए बी सी डी, ये जो है सही है, और इनका जो संबंध है पूरा बाल गंगाधर तिलक की पॉलिटिकल फिलोसफी से, तो यहाँ पे ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो मैं आपको सिंपल भी बता देता कि ऑप्शन पहला जो है वो करेक्ट है, लेकिन इसके पीछे जो स्टोरी है जो मैंने आपको बताई कि वो शिक्षा जो मातृभाषा में जो है लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं, और इसी के आधार पर जो है वो
भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना चाहते हैं, ये जब चीज़ें हैं, ये थोड़ा बारीकियां हैं। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठेंगे और जैसे आपको जब आपको चार विकल्प दे दिए जाएंगे, ए बी सी डी, बी सी डी, ए बी एंड सी डी ओनली, तो फिर बहुत मुश्किल होगा वहाँ पर। तो इसलिए आपको गहराई में जाकर चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे मार्च 2023 में पूछा गया है, तिलक फेल्ट दैट द रूट्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म मस्ट बी इन द सेंटिमेंट्स एंड इमोशन ऑफ इंडियन मासेस। देखिए यहाँ पे पहले आपको इसमें क्या आपको करना क्या है, आपको उन स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है जो तिलक के विषय में सही हैं, करेक्ट हैं, ठीक है। तो तिलक फेल्ट दैट द रूट्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म मस्ट बी इन द सेंटिमेंट्स एंड इमोशन ऑफ इंडियन मासेस। तिलक का यह मानना था कि भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ें भारतीय जनमानस की भावनाओं एवं संवेगों में निहित होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और इसी वजह से जो आप देखें कि 1893 में, क्योंकि देखिए जो भारतीय जनमानस है वो धार्मिक है। आप देखें सिर्फ भारतीय जनमानस की बात ही नहीं, सिर्फ आप देखें पूरे साउथ एशिया की बात करें, पूरे साउथ एशिया में आप देखेंगे रिलीजन का एक अलग ही इफेक्ट है। चाहे आप देखें बांग्लादेश को ले लें, नेपाल को ले लें, इंडिया को ले लें, भूटान को ले लें, श्रीलंका को ले लें, ये जितने भी कंट्रीज है साउथ ईस्टर्न कंट्रीज में आप देखेंगे कि रिलीजन का एक बहुत ही जो है डीप इम्पैक्ट है, बहुत ही गहरा प्रभाव है। तो तिलक कहते हैं कि द रूट्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म मस्ट बी इन द सेंटीमेंट्स एंड इमोशन ऑफ इंडियन मासेस। और इसी वजह से फिर हम देखते हैं कि 1893 में तिलक ने गणपति उत्सव और 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने तिलक उत्सव और शिवाजी उत्सव, तिलक उत्सव और शिवाजी उत्सव को स्टार्ट किया। और उसी धर्म से देखते हैं कि वो धार्मिक आधार पर उन्होंने लोगों के अंदर सांस्कृतिक आधार पर जो है राष्ट्रीय चेतना को भरने की कोशिश की। और ऑप्शन बी की हम देखें यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया, ये करेक्ट हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है कि तिलक हैज़ हैड ऑल्सो प्रपोज ए कांग्रेसनल रिजोल्यूशन फॉर द रिलीज ऑफ अली ब्रदर्स। तिलक ने अली बंधुओं की मुक्ति के लिए कांग्रेस प्रस्ताव भी प्रस्तावित किया था। अब देखें कि 1920 में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, खिलाफत मूवमेंट, और इसको लॉन्च किसने किया था, तुर्की के समर्थन में। तुर्की में आप देखें तुर्की के समर्थन में इंडिया के जो मुस्लिम लीडर्स थे, अली ब्रदर्स जिनको बोलते हैं, और अली ब्रदर्स कौन कौन से हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर, ये दो नेताओं थे। इन्होंने इंडिया के अंदर जो है खिलाफत के समर्थन में, खिलाफत एक तरह से जो खलीफा होता है, मुस्लिम लीडर होता है, जो मुस्लिम धर्म मुस्लिम समाज का जो है एक तरह से लीडर होता है, तो अली ब्रदर ने क्या किया कि तुर्की के समर्थन में खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया इंडिया के अंदर। और गांधी ने भी इस आंदोलन को जो है ज्वाइन किया था और इसका समर्थन किया था। तो इसमें क्या हुआ कि इस मूवमेंट के अंदर क्या किया, अली ब्रदर्स को अरेस्ट कर लिया गया। और जब इनको अरेस्ट कर लिया गया तो इनको रिहा करने के लिए, इनकी आज़ादी के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के माध्यम से प्रस्ताव भी पारित करवाया था कि जो है इनकी रिहाई होनी चाहिए। और यहाँ पे फिर आप देखें कि तिलक अपोज्ड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पूना न्यू इंग्लिश स्कूल। तिलक के अनुसार सॉरी सॉरी तिलक ने पूना इंग्लिश स्कूल की स्थापना का विरोध किया। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है, तिलक ने जो है पूना इंग्लिश स्कूल की का विरोध नहीं किया, बल्कि खुद तिलक ने पुणे के अंदर न्यू इंग्लिश स्कूल की इस्टेब्लिशमेंट की थी। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट और देखिए, यहाँ पे इसको मैंने स्किप कर दिया था, अकॉर्डिंग टू तिलक स्वराज वॉज अ मॉरल नेसेसिटी। तिलक के अनुसार स्वराज एक नैतिक आवश्यकता थी, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तिलक की पोलिटिकल फिलोसफी से तिलक का जो स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वहाँ आप देखिए कि तिलक जो है स्वराज के कई पहलुओं के बारे में से, स्वराज के कई डायमेंशन हैं, स्वराज को एक ड्यूटी के तौर पे वो देखते हैं, एक मॉरल इम्परेटिव के तौर पे देखते हैं, और स्वराज को वो जो है एक फाउंडेशन के तौर पे वो देखते हैं।
ठीक है। फिर क्या है, तिलक रोड दैट स्वराज इज द फाउंडेशन नॉट द हाइट ऑफ आवर फ्यूचर एंड प्रॉस्पेरिटी। मतलब जैसे कि अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया कि तिलक का ये कहना है सीधा सा कि हमें क्या है कि हमारे लिए पॉलिटिकल फ्रीडम, हमारे लिए जो है स्वराज पहले मायने रखता है। क्यों? क्योंकि जब हम स्वराज को हासिल कर लेंगे, पॉलिटिकल फ्रीडम को हासिल कर लेंगे, तो उसके बाद जो हमारे समाज के अंदर या हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो कुरीतियां हैं, जो सुपरस्टिशन है, जो अंधविश्वास, उसको हम आगे पीछे फिक्स कर लेंगे। तो ये क्या है कि ये आधार है, सबसे पहले बेस जरूरी है, बाकी फिर और भी जो चीज़ें हैं उसको हम फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि जितने भी स्टेटमेंट हैं वो तिलक से रिलेटेड हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें ये जो न्यू इंग्लिश जो ऑप्शन डी है, तिलक ने पुणे स्कूल पूना न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना का विरोध किया, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि तिलक ने खुद, आप देखें तिलक ने खुद ही सन 1800 में, 1800 में आप देखें पूना के अंदर न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी। जैसा कि मैंने आपको इस क्लास के शुरू में बताया कि 1880, सॉरी मैंने डेट यहाँ पे गलत मेंशन कर दी है, 1880, 1880 के अंदर उन्होंने पुणे के अंदर इस स्कूल को इस्टेब्लिश किया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तिलक को फाउंडेड न्यू स्कूल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, ऑप्शन जो डी है वो इनकरेक्ट है। और यहाँ पे आप देखें जितने भी स्टेटमेंट हैं यहाँ पे तो सब में डी इंक्लूड है। तो मतलब क्या कि जहाँ जहाँ आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, छटनी करेंगे, तो जहाँ जहाँ डी है वो ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बच्चा क्या, ए बी सी और ई, तो ऑप्शन पहला है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे अगेन कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं। वैसे तो ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको मार्च 2023 यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में शिफ्ट टू में पूछा गया है। लिस्ट वन और लिस्ट टू की और बात करें इसको मैच करना है। जैसे कि हिंद स्वराज की बात करें तो हिंद स्वराज को किसने लिखा है, महात्मा गांधी ने, तो आप जानते ही, 1909 में महात्मा गांधी ने लिखा था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इसको किसने लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया को जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। और कब लिखा है ये भी जानना जरूरी है, और किस साल में लिखा है ये भी जानना जरूरी है। तो अगर बात करें डिस्कवरी ऑफ इंडिया की, तो आपको मालूम है कि गांधी ने जब क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया था, क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन मूवमेंट को लॉन्च किया था 1942 में, तो उस टाइम में कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था, और नेहरू को भी अरेस्ट करने के बाद महाराष्ट्र के अहमदनगर फोर्ट में रखा गया था, और जेल में कारावास के दौरान कब से, 1942 से 1945 के बीच में नेहरू जेल में थे महाराष्ट्र में अहमदनगर फोर्ट में, और उसी जेल में रहने के दौरान उन्होंने क्या किया था, ये जो बुक थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया उसको लिखा था। और ये बुक कब पब्लिश हुई थी इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये बुक जो है 1946 के अराउंड पब्लिश हुई थी, ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और फिर आप देखें यहाँ पे बात करें गीता रहस्य के बारे में बात करें, अगर जैसे कि गीता रहस्य की अगर हम बात करें इसको किसने लिखा है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। तिलक ने कब लिखा है, जब 1908 से लेकर के 1914 के बीच में तिलक बर्मा के मांडले जेल में थे, बर्मा का जो मांडले जेल था, इस जेल में रहने के दौरान, अपने कारावास के दौरान उन्होंने इस बुक को लिखा था, और इसमें उन्होंने भगवत गीता की री इंटरप्रिटेशन की थी, उसकी पुनर्व्याख्या की थी। और बात करें हूवर सूद्रास की, तो इस बुक को किसने लिखा था, इस बुक को लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, सॉरी हुवर सूद्रास को जो है बाल गंगाधर, सॉरी वेरी सॉरी, हुवर सूद्रास को लिखा था किसने, बी आर अम्बेडकर ने लिखा था शूद्रों के। और इस बुक में बेसिकली बी आर अम्बेडकर बात करते हैं शूद्रों की उत्पत्ति कैसे हुई। और देखिए शुरुआत में अगर आप बात करेंगे जो वर्ण सिस्टम था वो कर्म पर आधारित था, ना कि देखिए वर्ण व्यवस्था, आप फिर देखते हैं कि पहले तो जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार, जो इंसान जैसा कर्म करता था उसी के अकॉर्डिंग उसको, मतलब जिसके अंदर जो फीचर डोमिनेंट थे, आप देखें जो वर्ण व्यवस्था है वो काफ़ी हद तक प्लेटो ने जो क्लासिफिकेशन किया है थ्री थ्री क्लासेस का, उससे मैच करती है। शुरू में क्या है कि वहाँ पे कर्मों के आधार पर क्लासिफिकेशन, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म पर आधारित होने लगी, और फिर बाद में देखते हैं उसका जो विकृत रूप है हम जाति व्यवस्था के तौर पर हम देखते हैं। और हूवर सूद्रा जो ये जो बुक है जिसको 1946 में लिखा था किसने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, इस बुक को जब वो 1946 में लिखते हैं तो बेसिकली वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि शूद्र कौन थे,
इस बुक में अंबेडकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि शुरू जो शूद्र हैं वो सही मायने में क्या हैं, वो क्षत्रिय हैं। वो क्या हैं? वो क्षत्रिय हैं। और वो ये भी बताते हैं कि ये कैसे क्षत्रिय हैं, वो ये वो क्षत्रिय हैं जिनका ब्राह्मणों के साथ कॉन्फ्लिक्ट था। मतलब क्या कि एक तरफ क्षत्रिय है, एक तरफ ब्राह्मण है, एक तरफ क्षत्रिय है और एक तरफ ब्राह्मण है, और दोनों के बीच में क्या कि कॉन्फ्लिक्ट है, पावर स्ट्रगल है, सत्ता को लेकर के, शक्ति को लेकर के संघर्ष है। और जब ये संघर्ष और आगे बढ़ा तो उसमें पंडितों ने क्या किया, जो ब्राह्मण थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है इन क्षत्रियों का जो है उपनयन संस्कार बंद करना बंद कर दिया और उनको चौथे वर्ण में जो है ढकेल दिया। मतलब जो चार, इसे वर्ण व्यवस्था की आप बात करेंगे तो चार वर्ण है ना, कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और लास्ट में शूद्र, ये चार वर्ण हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इसी क्षत्रिय को उठा करके शूद्र वाले कैटेगरी में, जो फोर्थ कैटेगरी है उसमें उठा करके डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस तरह से देखें यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे ऑप्शन फोर करेक्ट हो जाएगा, आप मैच कर लीजिएगा अपने लेवल पे जब मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे जून 2023 में पूछा गया है, वे पूछा जा रहा है तिलक्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्वराज वॉज। तो देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज़ें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक तो तिलक के जीवन में जो घटनाएं हुई हैं या उन्होंने जो पत्रिकाएं लिखी हैं, जो किताबें लिखी हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं। और अगर पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करें तो तिलक का जो स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है, तिलक का जो स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है और इसके अलावा तिलक का जो राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है, ये दो इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ देखें ये जो क्वेश्चन है तिलक के स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड है। और यहाँ आप देखें तिलक्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ड स्वराज वॉज, इट इज़ ए मॉरल नेसेसिटी, इट इज़ अ ड्यूटी, इट इज़ अ धर्म, इट इज़ अ धर्म, इट इज़ अ ड्यूटी, इट वॉज अ लाइफ सेंटर्ड ऑन अदर्स एंड डिपेंडेंट अपॉन अदर्स, इट मीन्स सेल्फ कंट्रोल एंड इनर स्पिरिचुअल। देखिए बेसिकली ये जो स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है तो इसको इसके कई आयाम हैं, इसके पॉलिटिकल डायमेंशन है, इसके मॉरल डायमेंशन है, इसके जो है एक आप देखें ड्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक अलग उसका डायमेंशन है। और सेल्फ कंट्रोल, मतलब क्या है कि तिलक जब बात करते हैं स्वराज के बारे में तो स्वराज का मतलब ये नहीं कि अंग्रेज जो है, जो अंग्रेज हैं वो चले जाएं यहाँ से और कोई भारतीय हमारे ऊपर शासन करें। स्वराज का मतलब, स्वराज के लिए जो तिलक का मतलब है वो कहीं ज़्यादा है। मतलब क्या कि हमारे अंदर जो इमोशंस हैं, जो एंगर है, जो सुपर मतलब जो प्रेजुडिस है, जो दुर्भावना है किसी व्यक्ति को लेकर के, उसके ऊपर भी कंट्रोल हो ताकि हमारे अंदर जो है आंतरिक जो शांति है उसको हम स्थापित कर सकें। और तिलक जो है स्वराज को एक मॉरल नेसेसिटी के तौर पे मानते हैं कि वो एक व्यक्ति की नैतिक आवश्यकता है, उसके बिना व्यक्ति का नैतिक विकास नहीं हो सकता है। और स्वराज जो है स्वराज को तिलक एक ड्यूटी के तौर पे, मतलब धर्म, इसे राजा का धर्म, तो व्यक्ति का धर्म है कि वो जो है वो पराश्रित ना हो, ईश्वर ने उसको बनाया है, वो स्वतंत्र है, ईश्वर ने तो उसको स्वतंत्र बनाया है, तो इसकी इसकी ये ड्यूटी है कि वो अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करें। अगर वो गुलाम है तो उस गुलामी के बंधन से वो बाहर निकलने की कोशिश करें। और इवन आप देखेंगे जब इस तरह के बंधन की बात होती है तो मुझे अक्सर जो है जीन जैक्स रूसो की याद आती है, वो बात करती है कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन द चेन। हालांकि वो एक अलग डिस्कशन हो जाएगा, उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है कि इट इज़ अ लाइफ सेंटर्ड ऑन अदर, जो ये जो स्वराज का कॉन्सेप्ट है वो व्यक्ति की आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की स्वतंत्रताओं पर, जो इंटरनल फ्रीडम है और एक्सटर्नल फ्रीडम है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें जो तिलक का जो स्वराज है वो इंटरनल, जो जो इंटरनल की बात करें, जो इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की स्वतंत्रताओं पे वो फोकस करता है कि व्यक्ति आंतरिक दृष्टि से भी स्वतंत्र हो और बाह्य दृष्टि से भी जो स्वतंत्र हो, व्यक्ति का अपने भावनाओं पर, अपने इमोशन पे कंट्रोल हो। ये जो लाइफ है वो व्यक्ति की स्वयं पर आधारित है, अदर पे, अन्य लोगों पर नहीं, मतलब ना ना दूसरों पर केंद्रित है व्यक्ति। देखिए स्वराज के सेंटर में व्यक्ति खुद है, जो स्वराज का जो सेंटर है, स्वराज के सेंटर में व्यक्ति खुद है,
कोई अन्य व्यक्ति के बारे में बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है। तो मतलब क्या कि व्यक्ति आंतरिक दृष्टि से और बाह्य दृष्टि से दोनों तरह से स्वतंत्र हो, और ये एक ऐसा लाइफ जीवन नहीं है जो दूसरों पर आधारित, बल्कि ये स्वयं पर आधारित है, और ना ही ना तो ये दूसरों पर केंद्रित है, ना दूसरों पर सेंटर्ड है, और ना ही वो दूसरों पर आधारित है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट ऑप्शन सी वो इनकरेक्ट हो जाएगा। बचा क्या, ए बी एंड डी, ए बी एंड डी। ये तो नेट के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हो गए। कुछ क्वेश्चन और भी मैंने इंक्लूड किए हैं, जैसे कि एक यूपीएससी का क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हु अमंग द फॉलोइंग नेवर प्रिसाइडेड ओवर, हु अमंग द फॉलोइंग नेवर प्रिसाइडेड ओवर ए सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पे देखिए कांग्रेस के चार नेताओं के बारे में बात हो रही है, और इसमें से ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा ऐसा कांग्रेस का नेता है जो जिसने कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की या कभी नहीं की, मतलब वो कभी भी उसने कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे काम नहीं की। तो इस यहाँ पे जो आंसर होगा वो कौन होगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है वो कांग्रेस के एक प्रभावशाली नेता है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे कभी भी नहीं काम किया। एक बार उनको जो है कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त किया गया था, लेकिन उस वक्त तिलक के ऊपर मुकदमा चल रहा था, और अपने मुकदमे की पैरवी के लिए वो लंदन चले गए थे, और इस वजह से जो है वो कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर पाए थे। और एक बात और भी कि तिलक के बारे में एक चीज़ और भी आप जानिए, एक थिंकर हैं जिनका नाम है, मैं यहीं पर मेंशन कर दे रहा हूँ, एक थिंकर हैं जिनका नाम है वैलेंटाइन सिरोल, और उन्होंने एक बुक लिखी है इंडियन अनरेस्ट। उन्होंने एक बुक लिखी है इंडियन अनरेस्ट, और इसी बुक में वैलेंटाइन सिरोल बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहते हैं। फादर ऑफ, देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहते हैं, मतलब जो अशांति की जो राजनीति थी भारत में, जो मतलब देखिए पहले तो क्या था कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर जो जो कांग्रेस के नेता थे उनका जो विरोध करने का तरीका था वो शांतिपूर्वक था, और आप देखें कि तिलक के आने के बाद जो है विरोध के, जब तिलक ने केसरी में और मराठा में अपने आर्टिकल्स लिखे, और कांग्रेस, और ख़ास तौर पे जब पूना में प्लेग फैला हुआ था, प्लेग नाम की जो बीमारी फैली हुई थी, तो उसमें अंग्रेजों ने बहुत बुरे तरीके से इंडियन को मिसमैनेज किया, वो घरों में घुस गए बिना परमिशन के, और उन्होंने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की, और जिनको जो भी मतलब आप देखें प्लेग एक ऐसी बीमारी है जो संपर्क में आने से फैल जाती है, तो उसमें क्या कि अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया कि बहुत तरीके से मिसहैंडलिंग की, वहाँ पे उसने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई, आदमियों को मारा पीटा गया, और इसके खिलाफ में जो है तिलक ने अपने आर्टिकल्स, उसके खिलाफ आर्टिकल्स लिखे कि जिस तरह से ब्रिटिश सरकार इस तरह से प्लेग को कंट्रोल करने के लिए जिस तरह से लोगों को हैंडल कर रही है, ये असम्मानजनक है कि भारतीयों के घरों में जो है पुलिस बिना परमिशन के जो है वो घुस जाए और लोगों से बदतमीजियाँ करे, छेड़छाड़ करे। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि जो प्लेग कमिश्नर था जिसका नाम था रैंड, उसकी चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी। तो तिलक के आर्टिकल्स का इतना प्रभाव था कि वहाँ से फिर देखते हैं कि जो हिंसा का दौर था जहाँ पे जो है भारतीयों ने जो है बदले की भावना से जो है अंग्रेजों का कत्ल करना शुरू किया, उनका मर्डर करना शुरू किया, तो ये एक दौर नया शुरू होता है इंडिया के अंदर। और यहाँ पर आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, तिलक स्वराज फंड वॉज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है पहला, और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि तिलक स्वराज फंड की स्थापना किस आंदोलन के दौरान की गई थी, मूवमेंट का मतलब आंदोलन, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने इस फंड को इस्टेब्लिश किया था, गांधी ने, और गांधी ने कब किया था, जब उन्होंने 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को, ठीक है। और तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, इसको यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया था,
इन द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ तिलक फाउंडेड विच पोलिटिकल पार्टी, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, अंतिम दौर में तिलक ने किस पोलिटिकल पार्टी की स्थापना की थी? तो तिलक ने जो है डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, 1920 में की थी, और बाद में इस पार्टी को जो है किसने ज्वाइन किया था, सावरकर ने ज्वाइन किया था। ठीक है, एक बात और भी है, आपको डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी और स्वराज पार्टी में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो 1923 में सी आर दास ने, चित्रनंदन दास ने की, और मोतीलाल नेहरू ने की थी। मोतीलाल नेहरू जो नेहरू जी के पिता हैं, मोतीलाल नेहरू ने की थी। और डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, ये तिलक ने की थी। और ये जो डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी थी वो कांग्रेस के अंदर एक फैक्शन था, मतलब अलग से कोई एक अलग से एक अलग से गुट था कांग्रेस के अंदर। जैसे आप देखें 1934 के आसपास, आप देखें जो देश के अंदर हमारे देश में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्थापित की गई थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो ये भी कांग्रेस का एक हिस्सा थी, मतलब एक गुट था। मतलब ये नहीं कि एक अलग पोलिटिकल पार्टी बना दी गई जो कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हो या कांग्रेस के खिलाफ पार्टिसिपेट कर रही हो, मतलब क्या है कि कांग्रेस के अंदर ही जो है एक गुट है। और वैसे भी आप देखें कांग्रेस के बारे में बात की जाती है कि कांग्रेस अपने आप एक अम्ब्रेला पार्टी थी जिसके अंदर कई गुट शामिल थे। तो आई थिंक ये जो सेशन है आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसे ही सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे, और जो नेक्स्ट थिंग और भी बाकी थिंकर्स हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से मैं जो है इस वीडियोज़ को थोड़ा लेट अपलोड कर रहा हूँ। इस वीडियो को तो मुझे एक दिन पहले ही अपलोड करना था। बाय द वे, हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। तो आप इस वीडियोज़ को देखें और अपने फ्रेंड सर्कल में जो लोग नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर कीजिए, और हम जो है जल्द ही अपना एक फ्रेश बैच स्टार्ट करने वाले हैं और उसका अनाउंसमेंट हम मंडे को करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।